राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे उम्रदराज मुद्दई हाशिम अंसारी का निधन हो गया है। 96 साल के हाशिम अंसारी ने आज सुबह करीब 5:30 बजे फैजाबाद में अपने घर पर आखिरी सांस ली। हाशिम अंसारी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाशिम अंसारी को आज शाम 5 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 60 साल से हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुद्दई बाबरी मस्जिद, इनका इंतकाल सुबह 5:30 बजे हो गया है। जिनका सुपुर्द के खाक जो है वो मणि पर्वत पे 5 बजे होना है, तय हुआ है। इनका आज सुबह 5 बजे इंतकाल हो गया। इनको सुपुर्द खाक हज़रत सीस अलैहि सलाम के कब्रस्तान के आस्थाने के किया जाएगा। लगभग इनकी उम्र 96 वर्ष थी। इनके फेस मेकर भी लगा था और काफ़ी दिनों से लगभग 5 वर्ष से बीमार भी चल रहे थे। पैर दोनों काम भी नहीं कर रहे थे। आखिरकार हाशिम अंसारी कौन थे, आइए आपको बताते हैं। हाशिम अंसारी, जिनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके जिंदा रहते राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद सुलझ जाए, लेकिन आज हाशिम साहब की ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया। बुधवार को सुबह 5:30 बजे हाशिम साहब ने आखिरी सांस ली। उनकी उम्र करीब 95 साल थी और वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। बताया जाता है कि हाशिम अंसारी का विवादित स्थल मामले में हिंदू पक्षकारों से अच्छा रिश्ता भी था। अपनी जिंदगी में बेहद सरल हाशिम अंसारी की सोच भी बहुत सरल थी। हाशिम साहब का कहना था कि अयोध्या के विवादित स्थल का मसला अलग है और अपने दोस्तों से रिश्ता अलग। हाशिम ये भी कहते थे कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला आए, अयोध्या के हिंदू मुस्लिमों और हिंदू धर्म गुरुओं से उनके रिश्ते कभी खराब नहीं होंगे। कौन थे हाशिम अंसारी? राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले के मुख्य पैरोकार थे हाशिम अंसारी। 95 साल के हाशिम अंसारी 1949 से बाबरी केस की पैरवी कर रहे थे। वो हमेशा कहते थे कि वो रामलला को आजाद देखना चाहते हैं। हाशिम अंसारी का जन्म 1921 में हुआ था। महज 11 साल की उम्र में हाशिम अंसारी के पिता की मृत्यु हो गई। हाशिम के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। 6 दिसंबर 1992 के बलवे में बाहर से आए कुछ दंगाइयों ने उनका घर तक जला दिया था। हाशिम साहब सभी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं के भी आलोचक थे। वो कहते थे कि वो हर हालात में अमन और शांति चाहते हैं। मस्जिद तो बाद की बात है। हाशिम साहब कहते थे कि अगर वो मुकदमा जीत भी गए तो मस्जिद निर्माण तब तक नहीं शुरू होगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक उनके साथ नहीं आ जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। तो हाशिम अंसारी की जिंदगी के तमाम ऐसे पहलू जिन्हें जानना जरूरी है, इन्हीं सब पहलुओं को जानने के लिए हमने कुछ देर पहले इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंदर मिश्र से बातचीत की। इतने लंबे समय तक बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी करने के बावजूद हाशिम अंसारी ने हजारों बार ऐसा वक्त आया जब उन्होंने अपने ही बिरादरी के लोगों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, उन लोगों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दिया जो लोग उनका नाम बेचकर, बाबरी मस्जिद आंदोलन को बेचकर अपना जेब भरते रहे, अपने लिए महल खड़ा करते रहे, अपने लिए विधानसभा और राज्यसभा की सीटें सुनिश्चित करते रहे, कौम के नाम पर और बाबरी मस्जिद के नाम पर जिन लोगों ने दुकानें चलाई, जिन लोगों ने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया, उन लोगों के हमेशा खिलाफ रहे हाशिम अंसारी। हाशिम अंसारी को मैं पिछले लगभग 30 साल से जानता था। हम लोग जब कभी भी अयोध्या जाते थे, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए, जब कभी अयोध्या में आंदोलन
होता था तो उसके कवरेज करने के लिए, जब कभी अयोध्या में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम का कवरेज करने के लिए, आंदोलन या कार्यक्रम के बाद, ये दोनों महापुरुष, हम महापुरुष इसलिए कह रहे हैं कि भले ही हाशिम अंसारी बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाते थे, वो कोई मौलाना नहीं थे, बावजूद इसके रामचंद्र परमहंस जी और हाशिम अंसारी, इन दोनों ने अपने कामकाज के जरिए, अपने विचारों के जरिए और अपनी सादगी के जरिए अयोध्या और फैजाबाद सहित पूरे देश में एक अलग मिसाल कायम की और यह साबित किया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, वैचारिक मतभेदों के बावजूद, इंसानी रिश्ते कितने बेहतर तरीके से चलाए जा सकते हैं, सामाजिक सद्भाव कितना बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है और किस तरह से एक ही जगह रह के अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से और तार्किक तरीके से कही जा सकती है, अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी। और बाद के दिनों में तो कई बार ये वक्त आया जब हाशिम अंसारी ने खुले तौर पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और उन तमाम शख्सियतों की और जमातों की या संगठनों की खुली आलोचना की जो लोग बाबरी मस्जिद का राजनीतिकरण कर रहे थे, जो लोग बाबरी मस्जिद की आड़ में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो बाबरी मस्जिद की आड़ में इंसानी रिश्तों में दरार पैदा कर रहे थे, ये थे हाशिम अंसारी। हाशिम अंसारी आज भले ही इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हाशिम अंसारी ने जिस तरह से दुनिया में रहते हुए जी अपनी बात मजबूती से कही अदालत के अंदर और समाज के सामने, और जिस तरह से सादगी से इस पूरे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। अब सवाल यह है कि हाशिम अंसारी के निधन के बाद अयोध्या विवाद से जुड़े मुकदमे पर क्या असर होगा? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और सीनियर वकील जफरयाब जिलानी का कहना है कि इससे मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि मुकदमे के में किसी से मुकदमे में लड़ना या मुकदमे में अपनी बात कहना, इससे ये मतलब नहीं कि उससे हमारी दुश्मनी हो जाए। हाशिम अंसारी साहब ने जो सबक मिलता है उनकी ज़िंदगी से, यही मिलता है कि ज़ाती मामलात बिल्कुल अलग हैं और मुकदमे में स्टैंड बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल नरम थे, हर वक्त गुफ्तगू को तैयार रहते थे, लेकिन अपना स्टैंड उनका मुस्तकिल था। देखिए, मुकदमे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी गवाही हो चुकी थी हाई कोर्ट में और वो मुकदमे में वादी थे, तो वादी का रोल मेनली यही होता है कि कोर्ट में एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री और ओरल दोनों पेश कर दे जो उसके पास है, तो वो तो उन्होंने पेश कर दी थी और ख़ुद बयान भी दे दिया था, इसलिए मुकदमे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तो खाली सुप्रीम कोर्ट में बहस होना है और बहस वकला करेंगे उस रिकॉर्ड के बेस पर कि जो कोर्ट में दाखिल हो चुका है और उसकी पैरवी जो है वो चूँकि पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है इस वक्त, तो उनका लड़का फॉर्मली उनकी यहाँ पे फरीक बन जाएगा, लेकिन ये कि उससे कोई मुकदमे की पैरवी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उनके न होने से जो असर पड़ेगा वो पब्लिक में